बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर इकबाल। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे जिसे हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं, और इसको एक एग्जांपल पे हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव को अप्लाई भी करेंगे और इसे बाय डेफिनेशन हम प्रूव करेंगे इस लेक्चर में। नाउ वी स्टार्ट थ्योरम 5, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, देन देयर प्रोडक्ट एफ इनटू जी इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स। दैट इज़, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका डेरिवेटिव ये है कि आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट का सेकंड फंक्शन एज इट इज़। सो वी प्रूव दिस थ्योरम। लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। स्टेप वन हमारा बाय डेफिनेशन जब हम करते हैं तो आप जानते हैं वाई में इंक्रीमेंट होती है डेल्टा वाई की, जब आप एक्स में इंक्रीमेंट करते हैं डेल्टा एक्स की, दैट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सेकंड स्टेप में हम डेल्टा वाई की वैल्यू निकालते हैं। So in second step we know we have delta y, that is x plus delta x g of x plus delta x minus f of x g of x। इस step में आप एक रकम जमा भी करेंगे right side पे और subtract भी करेंगे, mean add and subtract, add and subtract, that is f of x g x plus delta x on right hand side, sirf right hand side. So we have delta y, that is f of x plus delta x g of x plus delta x minus, यहाँ मैं इसको पहले माइनस करता हूँ, और then I add this term x plus delta x, we have minus f of x g of x। अब ये जो पहली दो रकमें हैं इनमें जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसको कॉमन लिख लेते हैं। सो वी हैव एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आपने जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन लिखा, ठीक है जी। और यहाँ पर आप देखें कि प्लस एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉमन है, वी हैव जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। Now we have third step. In third step, you know, we divide delta y by, yani hum equation ke dono taraf delta x se divide kar dete. So we have x plus delta x minus f of x divided by delta x. Aur ye rakam aap bahar likhte hain, plus f of x, और यहाँ पर g x प्लस डेल्टा x माइनस g, इसको भी आप डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं। फोर्थ स्टेप में यू नो कि वी अप्लाई लिमिट। सो नो वी हैव आवर फोर्थ स्टेप, दैट इज लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x अप्रोच टू ज़ीरो। So that is limit
delta x approach to 0, x plus delta x minus f of x divided by delta x, और आप जानते हैं कि इसे आप x plus delta x से आपने multiply किया। Next रकम मैं इधर यहाँ करके लिख देता हूँ थोड़े सा, उसमें ये है कि आपने f of x को कॉमन निकाला था और यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, दैट इज x प्लस डेल्टा x माइनस जी एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे यू नो डेरिवेटिव, और ये वाली रकम जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है, दिस इज बाय डेफिनेशन वी नो इट इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x, और ये जो लिमिट है इस फंक्शन पे भी अप्लाई होनी है, ठीक है जी। सो ये डेल्टा एक्स ज़ीरो हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास जी ऑफ एक्स, बेशक आप यहाँ अलहदा से लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो लिख सकते हैं, यहाँ पे यू कैन राइट हेयर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो यू कैन राइट। सो वी हैव जी ऑफ एक्स प्लस इसी तरह ये एफ ऑफ एक्स, और बाय डेफिनेशन ऑफ दिस इज आर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जी। सो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव में ये है कि दो रकमें आपके पास एफ एक्स और जी एक्स गिवन हैं, आपने अगर एक में फंक्शन एफ का डेरिवेटिव ले लिया है तो दूसरे में आप जी का डेरिवेटिव लेंगे, एफ एक्स को एज इट इज लिखेंगे, ये है प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वी हैव थ्री टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल वी हैव थ्री टर्म्स, देन हाउ वी फाइंड इट्स डेरिवेटिव। देखिए ये जो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स, ओके आई राइट हेयर इट्स डेरिवेटिव, तो बाकी दो रकमें उसी की उसी तरह यहाँ पे लिखते हैं, प्लस अब जो सेकेंड टर्म है इसका आप डेरिवेटिव ले लें और पहली और तीसरी को एज इट इज लिख दें। अब थर्ड टर्म, सॉरी हेयर इज एच एच, अब आपने थर्ड टर्म का डेरिवेटिव ले लेना है और पहली दो रकमें आपने लिख देनी है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट रूल में जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा रकमें हो कोई ऐसा इशू नहीं है, आपने एक रकम का डेरिवेटिव लिखना है, बाकी दो यहाँ अगर चार भी हो तो यहाँ पे आप तीन वो लिख देंगे। सो वन बाय वन हम हर एक फंक्शन का हर एक टर्म में एक बार डेरिवेटिव लिखते हैं, एक एग्जाम्पल को करते हैं प्रोडक्ट रूल की मदद से। वी हैव एग्जाम्पल नंबर फाइव ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसको हम प्रोडक्ट रूल से करने की कोशिश करते हैं, दैट इज वाई वी हैव टू एक्स अंडर रूट प्लस टू इंटू एक्स माइनस एक्स अंडर रूट। देखिए ये टू तो कॉमन है, ये तो टू तो बाहर लिखा जा सकता है ना, इजीली कॉमन निकाला जा सकता है। सो वी हैव एक्स अंडर रूट प्लस वन एंड एक्स माइनस एक्स अंडर रूट, ये है हमारे पास y, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी हैव डेरिवेटिव, ये टू कांस्टेंट है इसको लिखा रहने दें, आपने डेरिवेटिव इन दोनों का लेना, इन ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो देखिए जब दो रकमें मल्टीप्लाई हो तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें या फिर फर्स्ट फंक्शन लिखा रहने दें, सेकंड का डेरिवेटिव ले लें फिर सेकंड को लिख के, चले ऐसा करते हैं कि हम फर्स्ट फंक्शन को यहाँ लिख देते हैं और सेकंड का डेरिवेटिव ले लेते हैं, एक्स माइनस एक्स अंडर रूट प्लस, अब क्योंकि आप इस रकम का डेरिवेटिव यहाँ ले चुके हैं इसको यहाँ पे लिख दें, और डेरिवेटिव लेंगे आप फर्स्ट फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का, एक्स अंडर रूट प्लस वन, इस तरीके से। ये जस्ट हमने पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव लिखा है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज एक्स अंडर रूट प्लस वन, देखिए एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से वन माइनस, ये है एक्स रेज टू पावर वन बाई टू, पावर रूल लगाएंगे तो वन बाई टू पहले और एक्स की पावर में एक आप कम कर देंगे, प्लस
एक्स माइनस एक्स अंडर रूट, यहाँ पे एक्स अंडर रूट का उसी तरीके से पावर पहले पावर में एक कम कर दें, और ये डेरिवेटिव जब वन पे अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। सो एक स्टेप में आप अभी हमें थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंपलीफाई करके देखना है कि ये एट द एंड ये हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज़ टू, टू तो ये बाहर है, वी हैव एक्स अंडर रूट प्लस वन इंटू वन माइनस वन ओवर टू एक्स अंडर रूट प्लस एक्स माइनस एक्स अंडर रूट इंटू वन बाय टू एक्स अंडर रूट। एक तो तरीका ये है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और बाद में हम देखते हैं कि इनका एलसीएम क्या आता है। सिंप्लीफिकेशन तो इस तरीके से भी हो सकती है। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई हियर वी हैव डेरिवेटिव, दैट इज़ ये तो टू जो है ये तो बाहर है, हमारे पास फंक्शन के बाहर मौजूद है। मल्टीप्लाई करते हैं जी, देखते हैं जी। सो वी हैव एक्स अंडर रूट माइनस वन बाय टू प्लस वन माइनस वन ओवर टू एक्स अंडर रूट प्लस, जब आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो वन बाय टू यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स अंडर रूट और माइनस वन बाय टू। अब आप देखें कि इनमें से कुछ रकमें कैंसिल हो सकती हैं, आई थिंक ये प्लस और ये माइनस वाली कैंसिल। सो वी हैव इट्स डेरिवेटिव दैट इज टू। अब ये एक्स अंडर रूट है, देखें ये माइनस वन बाय टू, ये प्लस वन है, यहाँ प्लस वन बाय टू आएगा, ये माइनस वन बाय टू से कैंसिल। सो वी हैव ए वेरी सिंपल आंसर दैट इज टू ऑफ एक्स अंडर रूट। सो स्टूडेंट्स, बज़ाहिर ये दोनों क्वेश्चंस जो थे, अगर आप रकम को देखें इनिशियली तो हमें यकीनन बड़े मुश्किल दिखाई देते हैं, लेकिन मैथ में बाज़ औक़ात अगर रकम ज़्यादा बड़ी हो तो उससे घबराना नहीं चाहिए। तो देखा आपने कि बड़े ही सिंपल तरीके से ये सम रूल लगने से, कोशेंट रूल लगने से, सॉरी सम रूल और पावर रूल एक्सेट्रा, इस किस्म के रूल से हमने सिंप्लीफिकेशन करने के बाद बा आसानी इन सवालों को हल किया।